सोशल मीडिया पर लाइक्स की भूख अब जानलेवा होती जा रही है। लोग अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए जान दांव पर लगाने से बाज नहीं आ रहे। पिछले 72 घंटों की अगर बात करें तो इन 72 घंटों में 4 ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं जिनमें 8 लोगों की जान भी जा चुकी है। सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि ज्यादा उम्र के लोग भी ऐसी लापरवाही करने से नहीं चूक रहे हैं। मुंबई में ऐसी ही एक घटना सामने आई है जिनमें 2 बच्चों के माता पिता समुद्र के किनारे फोटो खिंचाने के लिए डेंजर जोन में चले गए। इस दौरान ही एक तेज लहर आई और दोनों समुद्र में बहने लगे। महिला के पति की जान तो किसी तरह बच गई लेकिन इस हादसे में महिला की जान चली गई। वहीं दूसरी तरफ नानी के 40वें यूपी के इटावा ननिहाल आए 2 लड़के नदी में डूब गए। इनमें से एक की लाश मिल चुकी है तो वहीं दूसरे की तलाश जारी है। दोनों इटावा के एकदिल क्षेत्र की सिंगर नदी में उतरकर इंस्टाग्राम रील बना रहे थे। दिल्ली के बदरपुर निवासी लड़कों के मामा शमी खान ने बताया कि बड़े लड़के रेहान की उम्र 17 साल थी, वहीं छोटे चांद की उम्र 13 साल थी। नदी का जलस्तर इस समय बढ़ा हुआ है लेकिन इसकी परवाह किए बिना ही दोनों इंस्टाग्राम के लिए नहाने का वीडियो शूट करने लगे। नहाते समय अचानक रेहान का पैर फिसल गया और वह डूबने लगा। चांद ने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन दोनों ही नदी में डूब गए। उनके साथ उस वक्त 4 और लड़के थे लेकिन कोई उन्हें बचा नहीं पाया। इसके अलावा कानपुर से भी एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें भी एक अंश नाम के युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। जी आपको बता दें, कानपुर में अंश नाम के एक युवक इंस्टाग्राम पर रील बनाने के चक्कर में पाणू नदी के धारा में बह गया। उसके 4 साथी सामने खड़े होकर सिर्फ चिल्लाते रह गए। 5 लड़के पांडू नदी की धारा के किनारे अपने रील बनाने गए थे। इसी दौरान अंश ने अपने कपड़े उतारे और नदी की धारा में कूद गया। उसके साथ ही साक्ष्य ने बताया कि अंश ने दावा किया कि वह तैरना जानता है लेकिन नदी में कूदने के बाद उसका पता नहीं चला। मुंबई के बांद्रा बीच पर अपनी पत्नी ज्योति सोनार और 2 बच्चों के साथ पिकनिक मनाने आए मुकेश सोनार लहर की चपेट में आ गए। इस हादसे में मुकेश की तो जान बच गई लेकिन उनकी पत्नी ज्योति की डूबने से मौत हो गई। दरअसल दोनों फोटो खींचने के लिए बीच के नीचे रखे पत्थर पर जाकर बैठ गए। इस दौरान ही एक बड़ी सी लहर आई और दोनों को खींच कर ले गई। मुकेश ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए उनकी साड़ी जोर से पकड़ ली थी लेकिन उनके हाथ से साड़ी छूट गई और उनकी पत्नी समुद्र में बह गई। हालांकि बाद में पुलिस और गोताखोरों की मदद से ज्योति की लाश बरामद कर ली। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सेल्फी लेने के चक्कर में 4 युवकों की तालाब में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना चंद्रपुर जिले के नागभीड़ तहसील के घोड़ाचारी तालाब की है। वरोरा तहसील के शिगांव के 8 युवक बारिश का आनंद उठाने के लिए घोड़ाचारी तालाब के पास गए थे। इनमें से एक युवक तालाब के किनारे सेल्फी लेने लगा और पैर फिसलने के कारण तालाब में गिर गया। उसे बचाने के लिए उसके 3 दोस्त एक एक कर तालाब में उतरे लेकिन वो तीनों भी तालाब में डूब गए। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और आपदा राहत टीम तुरंत मौके पर पहुंची। फिलहाल स्थानीय मछुआरों की मदद से शव की तलाश जारी है। मृतकों में मनीष श्रीरामे, धीरज झाड़े, अंकित मोड़क, चेतन मानदांडे शामिल हैं। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।